सरकारें लगातार और मोदी गवर्नमेंट खास करके जब 2019 का पूरा भी जो 5 साल चला है, इन 5 सालों में केवल बेचने का काम किया कि आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं। ये सरकार ये प्रयास कर रही है कि नौकरियां ना नौकरी रहेगी ना आरक्षण का मान बचेगा। चुनाव हो गए, सारे मुद्दे साथ साथ जुड़े हैं। हमारा जो पर्पस रहा है शुरू से, जिस दिन से इस संस्था की शुरुआत की है, वी द पीपल, कि देश भर में जितने भी एससीज, एसटी, एलओबीसीज के और माइनॉरिटीज के संगठन काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए और हमारे समाज के जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाए कि क्या साजिशें, क्या खेल और क्या हमारे खिलाफ सरकारों के बीच, लोगों के बीच चलता रहता है, उसके संदर्भ में हम लोगों को जागरूक करें। जाति जनगणना का सवाल सबके सामने था, सबने प्रयास किया और बिहार की सरकार ने उसको करके दिखाया। हमें आशा है कि अगर प्रेशर बनता रहा तो ये केंद्र के स्तर पर भी होगा और जो हमारी लड़ाई थी और जाति जनगणना के जो उद्देश्य थे वो हमारे पूरे होंगे। मैं आज एक स्पष्ट इश्यूज पर बात करना चाहता हूँ, मैं भटकना नहीं चाहता। ये ठेकेदारी में हिस्सेदारी का जो मुद्दा है, दरअसल क्या है, पिछले 75 सालों में हम जो लड़ाई लड़ते रहे, हमारा समाज, हमारे पुरखे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जिनका, जिनको भारत सरकार ने अभी भारत रत्न दिया है, हमारे लिए सम्मान की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है। कौन सी सरकार ने दिया हमें वो मायने नहीं रखता, हम उसके समर्थक हो सकते हैं विरोधी, पर हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि हमारे पुरखों को दिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि अब तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो केवल और केवल नौकरियों में भागीदारी को लेकर, पर हमारे लिए जानने की जरूरत ये है, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ें। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि अगर नौकरियों से हिस्सेदारी मिलेगी तो पूरे देश भर में जो नौकरियां हैं वो केवल 2% है। इसका मतलब पूरी जीडीपी का कुल 2% हिस्सा आपको मिलता है अगर आपको नौकरी में बराबर की भागीदारी मिल जाए तो। और उस समय भी वो ये कह रहे थे कि अगर पूरी नौकरी दी भी जाएगी तो कुल 2 करोड़ के आसपास में लोग। तो हमें ये देखना है कि क्या उससे हमारे, हमें न्याय मिल जाए। देखिए पहला प्रेजेंटेशन क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, आपसे ध्यान से सुनिएगा। 2022 और 23 भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया और भारत सरकार के बजट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कुल सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जो पूरा साल भर में काम किया भारत ने, वो कुल 340 लाख करोड़ रुपए का काम हुआ। उस 340 लाख करोड़ रुपए में अगर हम केवल नौकरी पर, मान लीजिए कि हमें 3% की हो ही रहा है, कुछ लोग भ्रम में रहते हैं, भारत सरकार की तारीफ किसी ने नहीं करी, कोई मिलने वाला नहीं जाता हो उनको कुछ भी आकर, ये हमारे समाज की दिक्कत है। जो बातें बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये नॉनसेंस क्रिएट करने वाले लोगों की यहां जरूरत नहीं है, आपको कोई नेता देकर बुलाया नहीं गया। मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा था कि पिछले साल 340 लाख करोड़ रुपया, अगर हम ये बातें बता रहे थे, हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे, ये ध्यान रखिएगा, हर साल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आता है, कुछ मुद्दों को पता नहीं हो तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो ध्यान देने लायक मुद्दा है उसको सुनिए, 340 लाख करोड़ रुपया भारत में, भारत की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर खर्च किया। मेरा ये बताने का है कि उस 340 लाख करोड़ में जो नौकरियों के ऊपर खर्च हुआ वो मात्र 3% था। 3% का मतलब कितना होगा, 6 लाख करोड़ रुपया। 6 लाख करोड़ रुपया में से 50% भी काम लेंगे ना, अभी तो हमें 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसका मतलब अगर कौशल समाज के बीच 340 लाख करोड़ रुपये में से मात्र 3 लाख करोड़ रुपया उसके घर में गया, आप समझ रहे, केवल 3%।
जो महत्वपूर्ण खर्च कहाँ हो रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ। जो दूसरा महत्वपूर्ण खर्चा होता है जीडीपी का 20-22% सरकारी ठेके दिए जाते हैं केंद्र और राज्य की सरकारें देती है। अगर आप 340 लाख करोड़ का 22% निकालोगे तो वो कुल लगभग 68 लाख करोड़ रुपया होगा। हमारा सवाल ये है और तो हमारी लड़ाई है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमको 3-6 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपया का रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है, उसकी लड़ाई के साथ साथ उस 68 लाख करोड़ रुपया का जो सरकारी ठेका देश भर में राज्य और केंद्र की सरकारें देती है उसमें हमारी भागीदारी कितनी है, हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आप ये महत्वपूर्ण मुद्दा वो क्या है, हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हमने एक फोकस बना रखा है आरक्षण, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके ऊपर हमारा ध्यान चाहिए। सरकारें लगातार और मोदी गवर्नमेंट खास करके जब 2019 का पूरा दिए जब 5 साल चला है, इन 5 सालों में केवल बेचने का काम किया। तो अगर आप सोचिए जब आपके पास जो सरकारी नौकरी देने वाले संस्थान थे BSNL, MTNL, एयर इंडिया, आप नाम लेते जाइए, लगातार उनको बेचा जा रहा। तो अगर वो बेचा जाएगा तो 3% GDP का हिस्सा भी वहां पर सरकारी नौकरियों के बीच नहीं बचता। वो हमने लिखा हुआ कि आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं, ये सरकार ये प्रयास कर रही है कि नौकरियां ना नौकरी रहेगी ना आरक्षण का मांग बचेगा। तो हम अपनी लड़ाई को एक स्टेप आगे करते हैं, चलो भैया नौकरी तो दो ही, लेकिन जो सरकारी ठेके आप दे रहे हो 22% पूरी GDP पर, यह आंकड़ा मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2020 की, और भारत सरकार ने जो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसने भी अनाउंस किया था कि लगभग 22% पूरी GDP का हम जो है उसमें देते हैं। ये डिटेल्स है कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितने पैसे दिए जाते हैं। सबसे हाईएस्ट खर्चा जो है लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस का है, हमने पूरा डिटेल दिया, रोड ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का, होम अफेयर्स का, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का और कम्युनिकेशन, ये सारे खर्चे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज मंत्रालय वाइज बांटे गए और इन सब का, इन सब में किसी का 22%, किसी का 25%, किसी का 20% हिस्सा बना चल जाता है सरकारी ठेके में जाता है। तो नेक्स्ट, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, हम लोगों ने सरकारी नौकरी को माना कि वो सामाजिक न्याय है। क्यों माना? क्योंकि जब हमें नौकरी मिलती है तो हम ये महसूस करते हैं कि हमें भी सरकार में भागीदारी मिल रही है। जब आरक्षण के माध्यम से हमारे लोग IAS, IPS, SDF, DM, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे सम्मान का, समाज का मानसिक उत्थान हो रहा है। लेकिन वाकई में अगर सोचा जाए तो वो लड़ाई भी हमारी क्या है, वो जीवन की लड़ाई है, लाइवलीहुड की लड़ाई। और ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, सामाजिक लड़ाई के ऊपर हमको फोकस रखना गया, जो हमारी आर्थिक लड़ाई थी, क्योंकि जब तक हमारे घर में पैसे नहीं आएंगे भाई, हम लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। और उसकी लड़ाई हमें लड़ने के लिए जो सेकंड फेज है, ठीक है, वो हमको ठेकेदारी में लेकर आना पड़ेगा। ठेकेदारी में आरक्षण की डिमांड, ठेकेदारी में भागीदारी की डिमांड हमको करनी पड़ेगी। क्या होता है ठेकेदारी में, हम कैसे नहीं आ पा, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं। भारत सरकार ने जो MSMEs होता है, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री, उसके अंदर एक नियम बनाया, कितनी भागीदारी है, 68 लाख करोड़ का जो मैंने आंकड़ा दिया, उस 68 लाख करोड़ में SC ST OBC की भागीदारी कितनी है मैं वो बताना चाहता हूँ। उसमें रूल बनाया गया है कि कुल GDP का 25% जो जितने प्रोक्योरमेंट होते हैं जो सरकारी ठेका जाता है, लगभग उस सरकारी ठेके का, उस 68 लाख करोड़ का 25% हिस्सा जो है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री से लिया गया है। और इत्तेफाक से आपको बताऊं, वहां पर सरकार ने प्रावधान किया 4%
एससी और एसटी को रिजर्वेशन है और 3% महिलाओं को रिजर्वेशन है और ये रिजर्वेशन 2012 से दिया गया। उसके बावजूद भी आज के दिन हम लोग 0.75 है, 1% तक भी नहीं पहुंच पाए जबकि 4% का आरक्षण दिया गया। अभी आरक्षण की सीमा छोड़िए, हम लोग 0.75 तक पहुंचे। आप ये लगा लो 68 लाख करोड़ का 25% और उस 25% का 0.75% कितना बनेगा? 10-20 हजार करोड़। 20,000 68 लाख करोड़ का ठेका जा रहा है किसके पास जा रहा है? वो 15% के पास जा रहा है, पूरा का पूरा 68 लाख करोड़। अगर हम उसमें से निकाल पाएंगे तो हद से हद 40-50 हजार करोड़ हमारे पास आ रहा है, तो 67 लाख करोड़ रुपया हम सवर्णों के पास आ रहा है। आप और हम उनसे कैसे टक्कर लेते हैं? आप जरा सोच कर देखिए कैसे रोका जाता है। आप सरकारी ठेकों का जो टेंडर निकलते हैं उनकी नोटिसेज आपके से कुछ लोग पढ़ते हो, उसके जो प्रावधान बनाए जाते हैं वो प्रावधान ऐसे होते हैं कि कोई भी एससी एसटी ओबीसी समाज का व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। कहीं नहीं लिखा होता कि एससी एसटी ओबीसी वालों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता जिसके हाथ में है नियम कानून वो बनाएगा, फिर अपने हिसाब से बनाएगा। क्या करते हैं? एक शर्त लगा दी जाती है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां से आएगा? हमने भी हमारी पहली पीढ़ी इस धंधे में आई है, कहां से आएगा जी? फिर क्या करेंगे? आपका टर्नओवर कितना है? 25,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है। हमारे लोग जो काम कर रहे हैं 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए, 100-500 करोड़ के बीच में काम कर रहे हैं। तो दूसरा क्या लगाया जाती है? बाधा टर्नओवर। तीसरी बाधा क्या लगाई जाती है? अर्नेस्ट मनी। और बैंकों के लिए खास करके होता है कि जो पीजी है, जो गारंटी आपसे गारंटी मांगी जा रही है, आप कहां से गारंटी दो? तो ये सारी बाधाएं हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे हम जिस तरह के परिवारों से आते हैं, हमारे परिवार में क्या रहे? किसान, मजदूर। ये इनका ना तो बैंकों तक एक्सेस है, ना आप लोन ले सकते हो और ना लोन ले सकते हो, ना आप ठेकेदारी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप जानते हैं इस सरकार के आने के बाद ये डेटा है 15 लाख करोड़ रुपया एलपीए खाता बैंक खाते के अंदर डाला गया, जिसको सरकार ने मान लिया है कि पैसा वापस नहीं है लौटेगा। और बड़े बड़े व्यापारी मान लिया है लोन ले लेकर कहा है बात कर रहे हो किसका पैसा है? हमने आपने सवाल ही नहीं पूछा कि वो पैसा है किसका, वो हमारा और आपका पैसा था। क्योंकि हमारे पुरखे किसान मजदूर रहे, उनको बैंक का उन्होंने रास्ता ही नहीं देखा। तो जब आप बैंक का रास्ता नहीं देखोगे आपको लोन मिलेगा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये जियो, सब लोग जियो यूज करते होंगे ना। जियो जब लॉन्च हुआ था 80,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकारी बैंक से लोन लिया है जियो को स्थापित करने के लिए। आप और हम मांगने जाएंगे तो 80 रुपए लोन नहीं देगा। तो जब देगा नहीं तो भागीदारी कहां से करूं? जरा उस खेल को समझिए। बैंक से लोन उठाया गया 80,000 करोड़ रुपया, आपसे हमसे हमारे आपको उसके कनेक्शन काटे गए, कहा गया शुरू में कि आप फ्री में यूज करोगे जी, जीवन भर फ्री में यूज करते रहोगे। उस समय भी मेरे पैसा लगाया जा रहा था हमारा आपका था, लेकिन वो सुविधा हमें आपको नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो हम आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते, आर्थिक रूप से संबल नहीं हो सकते। जो सरकारें हैं वो क्या है? सरकार में बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है और सरकार के की संस्थाओं और सरकार के काम करने वाले कामों को जो जायज ठहराती है, ये मनोवादी मीडिया जिसको वोटी मीडिया कहते हैं, जो हर बात हमारे आपके खिलाफ की गई हर साजिश को वो भुगतते हैं, आपसे हमसे उल्टे सवाल पूछते हैं, हमारे आपके दुख दर्द को आगे नहीं रखते, ये लोग हमेशा क्या है हमारे खिलाफ में, इनमें से किसी का आपको सहारा नहीं मिलता। आश्चर्य यह है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी के अंदर 93 से रिजर्वेशन लागू हुआ है, खास करके ओबीसी का, एससी एसटी का पहले से, और हमारी आबादी वहाँ 50% पूरी हो गई है। और हम आशा रखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट हमारा समाज का है वो वहां पर बैठ कर कुछ हमारे लोगों का नियम कानून बनाए। सर नेक्स्ट,
ये जो मैंने डेटा आपको दिया था उसी का डिटेल है कि रेलवे में कैसे हाईवे डिफेंस में होम कम्युनिकेशन वही डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स नेक्स्ट पे चल रहे थे। ये महत्वपूर्ण पहलू क्या है जो हम कह रहे हैं कि हमको ठेकेदारी में भागीदारी चाहिए। जब आप ये बात करने जाओगे तो लोग ये आपसे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई कानून नहीं है कि ठेकेदारी में आपको भागीदारी मिले ठेकेदारी में आपको आरक्षण मिले। देखिए मैं ये साबित करने के लिए उसको लगाया आप में से जो साथी संविधान पढ़ते होंगे मैं आप उनको बता देता हूं आर्टिकल 398 निकाल कर देख लीजिए। आर्टिकल 398 में ये व्यवस्था की गई है कि हमको हर जगह प्राप्ति का हक मिलेगा इंक्लूडिंग सरकार के जितने संसाधन है चाहे वो ठेकेदारी का हो चाहे नौकरी का हो उसी को आधार बनाकर ये 4% का कोटा एससी और एसटी के लिए लाया गया था और 3% का कोटा मैंने विभिन्न सारा नहीं दिखाया था लेकिन 4% का कोटा एससी एसटी को दिया गया। हमारा सवाल ये है व्हाई 4% केवल 4% क्यों। मेरा पहला पॉइंट हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि संविधान कहीं से भी बाधा नहीं है ठेकेदारी में आरक्षण देने के लिए। अगर ऐसा रहता तो आप ये 4% भी नहीं देते। इसका मतलब संविधान ऐलान करता है ठेकेदारी में आरक्षण मिलने के लिए। सवाल केवल क्या है आप पैमानी कर रहे हैं ये 4% कितना होना चाहिए एससी को 15% हो एसटी को 7.5% हो और ओबीसी को 27% हो ये 50% का आरक्षण यहाँ पर किया जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अब सवाल ये उठता है ये आरक्षण का एक और पहलू भारत सरकार एक योजना लेकर आई आप जानते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अलग तरह का आरक्षण किसके लिए है मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट कौन करता है इनके लोग करते हैं। वहां पर यह कहा गया कि कोई कंपनी जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी है अगर वह भारत में काम करना चाहती है तो उसको भारत की संस्थाओं के साथ टाई अप करना पड़ेगा ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए। तो यह आरक्षण नहीं है क्या अपने लिए तो तय कर लेते हम भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए ज्वाइंट वेंचर करो ना। तो जो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो ठेकेदारी हो रही है क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज के लिए आप नियम बना रहे हो तो उस आरक्षण के अंतर्गत हमारे आरक्षण की व्यवस्था करो। नेक्स्ट कर लीजिए। ये डिटेल्स वही है कि जो संस्थाएं हैं सीएमडी डायरेक्टर एचओडी मिनिस्ट्री जितने लोग पॉलिसी मेकर्स हैं दुर्भाग्य से ऑल आर फ्रॉम अपर कास्ट ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे आपके लिए कानून नहीं बनाएंगे। और जो एससी एसटी एंड ओबीसी थे बहुसंख्यक समाज है उनकी उस कानून बनाने में कोई भागीदारी नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ना तो हमारे पास फाइनेंशियल है ना तो फाइनेंशियल नहीं है तो आप भी नहीं कर सकते हो आपके पास टेक्निकल जानकारी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात आप एक चीज को ध्यान रखिएगा अगर ठेकेदार हमारा भाई होगा ठेकेदार हमारे समाज का व्यक्ति होगा तो वो जो मजदूर रखेगा वो जो श्रमिक रखेगा वो जो कर्मचारी रखेगा वो भी हमारे समाज के लोग होंगे उनकी ठेकेदारी उन कंपनियों में जो करेगा लोग होंगे चाहे वो क्लर्क हो सेक्शन ऑफिसर हो सीएमडी हो डायरेक्टर्स हो वो हमारा समाज का होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आपकी जानकारी के बता दूं ज्यादातर रिकमेंडेशन से नौकरियां मिलती है जो साथी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में उनसे पता है आपसे पूछा जाता है रेफरेंसेस लेकर आओ रिकमेंडेशन लेकर आओ दलित पिछड़े का रेफरेंस और रिकमेंडेशन देगा कौन। तो प्राइवेट सेक्टर में आप सीएमडी नहीं बन सकते प्राइवेट सेक्टर में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते उसकी वजह यही है। तो अगर हमने इसको करवा लिया तो आप लिख के रखो कि हमारे बीच के भी लोग बड़े बड़े कंपनियों के ठेकेदार और मालिक बनकर बैठे। सर नेक्स्ट हमने एक प्रपोजल दिया है हमने एक तरीका बताया कि क्या हो सकता है जब हम सरकारों से ये डिमांड लेकर जाते हैं तो सरकार में वही सारे बाधाएं बताते हैं। हमने ये कहा कि चलो एक तो पहला हमें अपने पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन दो ठेकेदारी में करना क्या चाहिए चलिए हमारे पास पैसा नहीं है
100 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया, 500 करोड़, 200 करोड़, इसकी ठेकेदारी में तो बोल रहा हूँ।